लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से पालन कर रहे एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स तथा पुलिस कर्मियों का आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों ने आभार प्रकट किया है। आर्ट ऑफ लिविंग मंडी ने इससे पहले असहाय लोगों को राशन भी वितरित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू किए गए महायुद्ध के दौरान लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने पर आर्ट ऑफ लिविंग ने होमगार्ड्स, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस कर्मियों को फल बांटे, साथ ही इन सबको थैंक्स भी किया। लॉकडाउन के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग सरकार व प्रशासन की समय समय पर आर्थिक सहायता भी कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के मंडी शहर में नगर परिषद के साथ मिलकर कई प्रवासी मजदूरों को निशुल्क राशन भी वितरित किए हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व ही सफाई कर्मचारियों को आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित किए गए। इसी कड़ी में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा होमगार्ड, एनसीसी कैडेट व पुलिस जवानों का आज थैंक्स किया गया। मैं ज्योत्सना गुप्ता, वन ऑफ द वॉलंटियर द आर्ट ऑफ लिविंग। आज हम अपना जो देना ना कहूँ मैं वैसे, क्योंकि शहर में जो डोनर्स हैं वो फिक्स हैं और संस्थाएं सभी अपना कर रही हैं। देना ना कह के राज्य में एक होंगी कि जितने लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट वाले हमारे वॉरियर्स को हम मिलने जा रहे हैं, इनके ग्रेटिट्यूड के रूप में हम इनको रिफ्रेशमेंट पेश कर रहे हैं। एक हमारा छोटा सा गेस्चर है शो करने का कि हम आपके थैंकफुल हैं और सब आपके हम साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू। मेरा नाम हितेश राय है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से एक सेवक हूँ और आज हम जितने भी पुलिस वाले हैं जो फ्रंट लाइन में हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, और एनसीसी के बच्चे हैं, इनके लिए कुछ फ्रूट्स, कुछ कन्फेक्शनरी हम देने जा रहे हैं और साथ ही साथ समस्त जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त जो देख रहे हैं उनको बैसाखी की हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी दिन में 2 बार मेडिटेशन करा रहे हैं, जो घर बैठ के आप सभी कर सकते हो। 12 बजे दिन में और 7:30 बजे शाम को होती है। तो आप घर बैठे ध्यान में रहें, मस्त रहें और खुश रहें।